दोस्तों भारत और अफगानिस्तान का ट्रेड लगातार बढ़ते जा रहा है। भारत और तालिबान का रिलेशनशिप लगातार अच्छा होते जा रहा है। भारत सरकार तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रही है। भारत सरकार अफगानिस्तान के लोगों का कल्याण चाहती है और भारत सरकार अफगानिस्तान के आम लोगों का कल्याण कर रही है। भले ही अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान बैठा हुआ है, लेकिन भारत सरकार हमेशा अफगानिस्तान की मदद कर रही है। और यही कारण है कि तालिबान के द्वारा, अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा हर दिन वो लोग भारत की बड़ाई कर रहे हैं। और अब तालिबान भारत के लिए पाकिस्तान से भी लड़ पड़ा है। अभी की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अफगानिस्तान में लिथियम का खजाना मिला है। लिथियम को व्हाइट सोना बोला जाता है और ये सफेद सोना भारत को मिलने वाला है। वैसे तो तालिबान के सफेद सोने पर चीन का भी नजर है, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट चाइना को ये सोना नहीं देगी। ये सफेद सोना भारत को ही मिलने वाला है। आइए जानते हैं क्यों और कैसे कैसे भारत सरकार तालिबान के जरिए चाइना को काउंटर कर रही है और पाकिस्तान का भी काउंटर कर रही है। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में, मैं विकास। दोस्तों अफगानिस्तान के लिए भारत हर वो कदम उठा रहा है जिससे कि अफगानिस्तान के लोग भारत के लोगों की हर दो दिन में तारीफ कर रहे हैं और भाई वाला दर्जा दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि तालिबान ऑलरेडी आतंकवादी कैटेगरी में आते हैं। वो अगर पाकिस्तान पे हमला करेंगे, भारत की मदद करने के लिए आगे आएंगे, तो पाकिस्तान का बुरा हाल होना निश्चित है। तो वो कहते हैं ना, आपको दुश्मन से भी और बुरे लोगों से भी दोस्ती करके रखना चाहिए। हम किसी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अफगानिस्तान एक देश है जिसको कि नकारा नहीं जा सकता, और अफगानिस्तान में अभी तालिबान गवर्नमेंट है, तो हमें उनके साथ भी रिलेशनशिप को अच्छा रखना है। तालिबान भी भारत के साथ संबंध को काफी ज्यादा मजबूत करना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी नेचुरल आपदा आया है उसमें भारत ने हमेशा अफगानिस्तान का मदद किया है। अफगानिस्तान को पता है कि भारत ही वो देश है जो उसके बुरे वक्त में उसका साथ देगा और साथ देते आया है। अब इन्हीं सारी चीजों का रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि तालिबान भी अब भारत को मालामाल कर सकता है। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स का दावा है कि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन का, यानी कि 1,000 अरब रुपये का लिथियम मौजूद है। अफगानिस्तान के इस खजाने पर, इस भंडार पर चीन का बुरा नजर है। अफगानिस्तान के इस वाले खजाने को कब्जाने के लिए चीन लगातार प्रयास कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत अफगानिस्तान में एक रणनीतिक इन्वेस्टमेंट करता है और लिथियम को निकालना चालू कर देता है, तो भारत की इकोनॉमी में 4 चांद लगेगा, क्योंकि आज के टाइम में अपना प्यारा भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है हर चीज का। आने वाले टाइम में भारत में सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को दुनिया में अलग अलग कंट्रियों में एक्सपोर्ट भी करेंगे। ऐसी कंडीशन में हमें लिथियम की काफी ज्यादा जरूरत है, लिथियम बैटरी को बनाने के लिए। अगर भारत अफगानिस्तान में जाकर के लिथियम का प्रोडक्शन करता है, निकालता है, तो अफगानिस्तान जो चीन पर डिपेंड कर रहा है वो भी कम हो जाएगा, तो अफगानिस्तान को भी काफी ज्यादा फायदा होगा और भारत को तो फायदा होगा ही होगा। गाइस, लिथियम को सफेद सोना इसलिए बोला जाता है क्योंकि लिथियम का यूज न सिर्फ बैटरी बनाने में बल्कि सेमीकंडक्टर में भी लिथियम का यूज किया जाता है, और ये दोनों सेक्टर भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सेमीकंडक्टर हब बनना चाहता है और लिथियम बैटरी के मामले में भी अपना प्यारा भारत सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है। ऐसी कंडीशन में लिथियम का ये खजाना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान और भारत का रिलेशनशिप और भी ज्यादा तब मजबूत हो गया जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर के भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं SCO के अधिकांश देशों के समान है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर के प्रयास करने होंगे। अफगानिस्तान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना होगा। ये हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के COVID-19 महामारी के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे अफगानिस्तान में। ये आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने में या एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को प्रोत्साहन देने के लिए उपयोग न की जाए। तो PM मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर के ये बयान दिया है कि अफगानिस्तान भी एक अच्छा विकासशील देश बने और धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी से डेवलप करे। अब सवाल आता है कि क्या भारत अफगानिस्तान में लिथियम को निकालने के लिए जाएगा? क्या भारत अफगानिस्तान से चीन की छुट्टी करेगा? क्या अफगानिस्तान भारत का वेलकम कर रहा है? ये सारी चीजें हमें आगे देखने को मिलेगी। आप इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े।